इसी युधि इंधि दसि श्याधु सुभ्यो मक। इसी युधि इंधि दसि श्याधु सुभ्यो मक। धुसुभ्य पंचमी का बहुवचन, मक प्रथमा के एक वचन, दो पद है। इसी युधि इंधि दिदौ दसि श्या धु सु, इन धातुओं से मख प्रत्यय होता है। इष्मः काम वसंतयोः, इस इच्छा धातु से काम अर्थ में हो गया और वसंत ऋतु दो अर्थों में होता है। कहीं कहीं ईश करके ईशी, कभी उस स्थिति में ईशी इति पाठे दीर्घ आदि, इतना ही अंतर पड़ेगा। ईष्म रूप बनेगा, ईष्म ये रूप बनता है। युद्मः मैंने सरो योद्धा व च, सर बने बाण और योद्धा को भी कहते हैं युद्मः। इद्मः इंदी धातु है, मक्के कित त्याला दिख रहा है, देखो कित का क्या हो गया, नकार का लोप हो गया, हईताम हलोप दाया। और पहले कित का लाभ था, इसमें गुण नहीं हुआ, लघुपत गुण नहीं हुआ था, युद्ध में भी लघुपत गुण प्राप्त था, वो नहीं हुआ। इद्मः मैंने समिध संविधा, इद्मा भर्री बोला जाता है। दसमो यजमान, दसो पक्षे धातु, यजमान को कहते हैं दसमह। श्याम, श्याम जो है धातु, शेंग गतौ धातु है, शेंग गतौ धातु, तो उससे क्या हो गया, उसको श्या दिखाया था आदि चुपदेशित करके सूत्रकार ने, तो श्याम बनेगा। धुमा धुई कंपने धातु से धुमह, शुई प्राणी गर्भवचने धातु से जो है सुमह, अंतरिक्षम इत्यर्थ। धुमह की व्याख्या नहीं किया, सब जानते हैं वन्यजन्य धुआं होता है, उसको धुमह कहते हैं। बाउलकात, बाउलकात ईर्मम मैंने व्रण, बाउलकात जो है ईर्मम बना दिए, ईर्गतौ धातु से मक प्रत्ययगतो ईर्म, नपुसलिंग में ईर्मम मैंने व्रणा ही इत्यर्थ, घाव को कहते हैं। युजि रुचि चितिजाम कुश्च, युजि रुचि तिजाम कुश्च, युजि रुचि तिजाम षष्ठी का बहुवचन है, पंचमी षष्ठी उभयार्थक लेना पड़ेगा। इन धातुओं से मख प्रत्यय होगा और धातु का अंतादेश कुत हो जाएगा, इसे षष्ठी अर्थ भी कटेगा, अंतादेश में कुत करना है। जो कुह प्रतिमा के एक वचन चबे, युजि रुचि निजाम षष्ठी बहुवचन और को प्रथमा के वचन चबे। युग्मम मैंने जोड़े जोड़े, युग्म कहते हैं उसको, दो चार छः आठ दस बारह जो गिनती होती है उसको युग्म कहा जाता है। रुक्मम, रुक्मान मैंने सोना चांदी, स्वर्ण में है ना, कांचन लोहा ये सब में होता है, कांचन में सोना। तिग्मम तीक्ष्ण तेज वाला, तिग्मम धार वाले को कहते तिग्मम, बाण तिग्म है मैंने एकदम तीक्ष्ण है, तेज है, धार वाला है। तो तीजा निशामने धातु है ना, वैसे तीजा धातु निशामन अर्थ में, तो निशान अर्थ में होता है, निशाने का तात्पर्य भी तीक्ष्ण, तीखा लंबा तीव्र रहना। हंतेर ही च, हंतेर ही च, हंते हैं पंचमी षष्ठी और ही प्रतिभा के कुछ चाप्य, हन धातु से मख प्रत्यय होगा और हन के स्थान में ही आदेश होगा, निकलता सर्वादेश हो जाएगा, हिमम बने, हन को ही हो गया तो ही और मर आ गया मख का, और कितना गुणादि नहीं हुआ ही को तो हिम ही रह गया, हिमम बने बर्फ, हिमाम आने दे हिमानी आचार्यानी हिमानी है ना, उसे रुद्राणी एक बार तिगाया था लघु में, आनी होता है यहाँ पर। भी शुगवा, भी शुगवा, भी पंचमी शुक प्रतिमा के वचन वाप्य, पंचमी षष्ठी दोनों में होगा। भी भय धातु से मख प्रत्यय होता है, और मख प्रत्यय प्रत्यय भी धातु को विकल्प से शुक का आगम हो जाएगा, जब शुक का आगम हो गया तो भीष्म, शुक आगम नहीं हुआ तो भीम, दोनों एक ही अर्थ है, धातु के श्रम से एक अर्थ ही है, इन व्यक्ति तो भिन्न है, भीष्म अलग है भीम अलग है।
भीमा भीष्म घर्म 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 प्रथमा का एक वचन घृणातिर मग गुणश्च निपात्य थे। घृ धातु से जो है मक का आगम और साथ साथ गुण का भी निपातन करना पड़ेगा, नहीं मक प्रत्यय, मक प्रत्यय और गुणश्च निपात्य थे, क्योंकि मक करेंगे प्रत्यय तो कितना गुण नहीं हो सकता था, गुण को निपातन कर देना, प्रत्यय तो चला आ ही रहा है। घृ धातु से मक हुआ, घृमा बनना चाहिए, गुण निपातन हो गया, घर्मा हो गया, मैंने गर्मी धूप घर्मा कहते उसको। नीचे दे रहे कोश घर्म सद आतपे ग्रीष्मे अप्युष्ण स्वेदाम भसौरपी। देखो उष्ण स्वेद अम्भस जल को भी कहते आतप, कई रोग नाम नहीं ले रहे। ग्रीष्म ग्रीष्म प्रथम एक वचनांत है, कैसे हुआ? ग्रसेर निपातोयाम, ग्रस धातु से निपातन से सब कार्य हुआ है। ग्रस धातु से मख प्रति हुआ और वो भी प्रति भी निपाति विधान करना पड़ेगा, उपधा के स्थान में इत्तम च निपाति थे, इत्व का भी निपातन कर दिया, अतः ग्रीष्म बना। ग्रसत्तेर ठीक करो उसको शुद्ध, ग्रीष्म ऋतु विशेष का नाम ही है प्रसिद्ध ग्रीष्म ऋतु। प्रत्यय शिवन संप्रसारण च, प्रत्यय शिवन संप्रसारण च, प्रत्यय पंचम के एक वचन शिवन प्रतिमा के एक वचन संप्रसारण प्रतिमा के एक वचन चे। प्रत धातु से शिवन प्रत्यय हुआ, शिवन में क्या बचेगा? इव, नकारित संज्ञा स्वरार्थ, शकारित संज्ञा कौन सूत्र करेगा? शाह प्रत्यय से प्रत्यय के आदमी शकारित संज्ञा हो जाएगा, तो युवा बच गया, इसीलिए प्रथ है वहाँ पर शमशान विधान कर दिया तो पृथ बन जाएगा, वो पृथ पृथिवा पृथिवा बनेगा। श्रुति वक्षा में पृथिवी पृथिवी शित्वात शित गौर आदि विषय से गीश हो गया पृथिवी। कुछ लोग पाठभेद कर देते शव नित्य के, उनकी में पृथ्वी बनेगा, पृथिवी नहीं पृथ्वी बन जाएगा, पृथ्वी पृथ्वी पृथ्वी, केवल वन प्रत्यांत होगा तो पृथ्वी भी बन जाएगा, तीन और बन जाते। यदि शब्दारणव शब्दारण कोश में गिनाया गया है, अशु पृषी लटी कणी खटी विषिभ्य क्वन, अशु पृषी लटी कणी खटी विषिभ्य क्वन, विषिभ्य तो पंचबहुवचन क्वन प्रथमिक वचनांत है। अशु धातु से शुभ व्याप्त धातु से क्वन वा क्वन का व बचा, नकार गया ककार गया, अश व मिला दीजिए अश्व स्वायत्पत्ति अश्वाहा। पुरुष स्नेहादि धातु है, उसे आपने भी क्वन प्रत्यय किया तो लाभी गुणाधिकारी नहीं होगा, कित्वी है जहाँ शमशान प्र शमशान हो जाएंगे, नहीं तो गुण निषेध हो जाएगा, है ना, कित करने का लाभ यह है। नित्य स्वरार्थ है, पुरुषश्रेहादि से पुरुषवाहा सियात ऋतु सूर्य यो हो, ऋतु और सूर्य दो अर्थ में होता है। पुरुषवा जलकणिका, जलकणी का फा हो गया है, जल के कण को भी पुरुषवा कहते हैं। पुरुषी धातु, अब आते हैं लठ धातु, लटी लट बाल्य धातु है, उसे लट्वा पक्षीभेद फलंच, पक्षीभेद को भी कहते फल को भी कहते लट्वा। कोई पक्षी विशेष है, अनेक जाते हजारों प्रकार के करो है पक्षी, पक्षी योनि कितने हैं? 84 लाख में से 10 लक्ष पक्षी के नाम 10 है, बताओ 10 लाख। हाँ जलजा 9 लक्ष, जल वाले 9 है, 10 लक्ष से पक्षी नाम, 9 लक्ष, हाँ 9 लाख योनि जल के अंदर जो होते हैं मछली वगैरह, 9 लाख शरीर है, 84 लाख की योनि का श्लोक है ना उसमें आया हुआ है, है अप्रमाणिक हो ही नहीं सकता है। यथा पिंड तथा ब्रह्मण है, ब्रह्मण है तथा पिंड, पिंड ब्रह्मांड रह के अनुभूति करने वाले पिंड में देख करके तो बोल रहे सारी चीजें, पिंड ब्रह्मांड एक है,
84 लाख यूनिट बाहर देख रहे हो, आपके अंदर है, देखने की दम आप में नहीं है, तो हम क्या करें उसके लिए? ना आपके पास कोई मशीन है बताने के लिए, आपके अंदर है 84 लाख यूनिट, बाहर थोड़ी है। कण्वम ने पापम, और कण्व महर्षि का भी एक नाम है, कण्व शाखा होती है, वेद की एक शाखा है। बाहुल का दित्व किण्वम अपनी, बाहुल का दित्व कर देंगे तो किण्वम भी रूप बनता है। खटवा, खट धातु से खटवा खटिकांक्षायाम, कण निमिलने था और खटिकांक्षायाम उससे हो गया खटवा। खटवा मैंने खाट जिस पर सोते हैं लोग। विश्वम, विश्व प्रवेश धातु से क्वन हुआ तो विश्व शब्द बना विश्वम। इनशीभ्याम वन, इनशीभ्याम वन, इनशीभ्याम पंचगति वचन वन प्रतिमा के एक वचन कित हटा दिया, इतना ही किया इसलिए गुण हो जाएगा। इन गो धातु से वन का वह बचा, इन और वह गुण करो ए व, ई का गुण हो जाएगा। इन धातु में ई बचता है ना, ई और वन का वह बचा ई व, ई व गुण करो सार धातु कर दे दो ए व बना। जब इसको चादिगण में लोगे इसकी अव्यय संज्ञा हो जाएगी ए व का। ए वो गंता पुलिंग में प्रयोग कर दिया, मैंने सत्यवाच्य कर दिया आपने, एवा मने गंता गमन करने वाला। ये च एवा मरुत प्रयोग किया है, ये च एवा मरुत, एवा मरुत असत्वे निपातवयम। देखिए असत्वाची हो जाएगा तो चादिगण में एवा आ जाएगा, यही एवा। शेवम लांछनम पुंसाम, शेवम अवशी धातु का रूप बना दिया, शिंग सपरे का वन प्रत्यय कर दो, शी और वा गुण हो गया सार धातु कर दो शेवा। शेवम मैंने लांछनम पुंसाम, लांछनम पुरुषों का जो चिन्ह विशेष है उसका नाम शेवम। पुरुष का चिन्ह विशेष क्या है? लिंग है मुख्य, और दाढ़ी मूछ भी, यही चिन्ह होता है पुरुष का। लोमश पुमान केश स्तनवती स्त्री, लोमश पुमान ये भी क्या है, लोमश होना भी पुरुष का चिन्ह है। शिवम लांछनम पुंसा, शिवम मित्राय वरुणाय मंत्र प्रयोग हुआ है, सर्व निघ्रिष्व ऋष्व लश्व शिव पद्व प्रभेश्वा अतंत्रे। सर्व निघ्रिष्व ऋष्व लश्व शिव पद्व प्रभेश्वा अतंत्रे, सर्व निघ्रिष्व ऋष्व लश्व शिव पद्व प्रभेश्वा अतंत्रे। कई पाठ में पटवा भी है, पद्व के जगह पर पटवा, बाल मर प्रकार के अनुसार पद्व है, तत्पोधन के अनुसार पटवा है। अतंत्रे अकर्त्री एते निपात्यन्ते, इस अकर्त्री अर्थ निपातन करना है, कर्त्री अर्थ में चले आ रहा है सारी चीजें, अकर्त्री में निपातन से किया जाता है। श्रुतम मने ना विश्वम इति सर्वम बना, श्रुतम अनेन सर्वम, जिसके द्वारा सारी चीज श्रुत्य गत है गृहित है उसका नाम सर्वम, यही है सर्वनाम संज्ञा वाला सर्व शब्द। निपूर्वाद, निपूर्वाद घृषेर गुणाभावपि, निपुर घृष धातु गुण का अभाव भी किया जाता है निपातन से। निघृष्यते अनेन इति निघृष्वः मने खुराहा, निघर्षण किया जाता है जिससे, खुर पैर का आदमी करे क्या अंगूठी के नाखून से, अंगुली के नाखूनों से करता है। ऋष्वा मैंने हिंसरा, लश्व मन नर्तक, ऋष्व इत्यन्य तत्र उपदाया इत्वमपि, उपदा को इत्व निपातन समझना। शेते अस्मिन् स्वरमिति शिवः मैंने शंभो, शिवः अद शेते असौ ऐसे भी संभव कर सकते उत्पत्ति, शेते असौ स्वरमिति शिवः शंभो भद्रम सुगम उदगम कल्याणं च, शंभु का अर्थ शिव का शंभु होता ही है शंकर भगवान ईश्वर, और उसका नाम भद्र भी है, कल्याण करने वाला कल्याण देने वाला सुखदायक है। जल का भी पर्यायवाची शिवम माना गया, सोया रहता है सब उसे सोते जाकर के, सुषुप्ति में कहाँ जाते हैं आप, उसी का नाम शिव है। शिंग और अश्वत्थाम, शिंग धातु का रस भी हो गया निपातन से तभी शिव बना। पद्मो रथो भूलोकश्च, पद्म मने रथ पदगत है या पटगत हो, पद्म पटवा दोनों पर्याय एक ही है, रथ अर्थ में होता है और भूलोक को भी कहते हैं। प्रहुयते इति प्रवाह,
प्रूयते तिप्पवः। प्रकृष्ट रूपेण दान आदान किया जाता, हवन किया जाता जो, उसका नाम प्रवह। फेय आकार वकार लोप, फेय धातु से करोगे तो आकार वकार का लोप मानो, और जहाति से करोगे तो अलोप होगा। ईशेर वन ईश्व मने आचार्य, ईश्व मने प्रवेश्व था ना, प्रभु ईश्व, तो ईश्व गर्तवा पर आचार्य। और कुछ लोग लघुपद मानते हैं ईश्व इत्यन्य। अतंत्रे किम, अतंत्र क्यों कहा, सरदीति सरता, कर्तृ में कर दिया तो नहीं होगा, सारक इत्यर्था। बाउल का रसते है, रस धातु से भी हो गया, ह्रस्व बनता है, यही वन प्रत्यय करके बन जाएगा। यहाँ तक टीका देखिए, इसी युधीन थी ये चलेगा, इसे गति हिंसा दानेशु युद्ध संप्रहारे, इशु इच्छा से भी कर सकते थे, गति हिंसा दानेशु काम अर्थ ले रहे हैं, है ना, युद्ध संप्रहारे इंदी दीप्तौ दसु पक्षे शेंगतौ धुई कंपनी श्री प्राणी गर्भ विमोचने येषाम दंदात पंचमी युद्धमाई थी युद्धवा धनुष संयोगे इति मेदिनी। धनुष में और संयोग अर्थ में भी होते युद्धमा, संयोग मतलब युग जोड़े जोड़े संयुक्त है जो दो उनको कहेंगे संयोग। दसमा दसमस्तु यजमाने स्याद अपि चौरे हुताशने, यजमान को कहते मुख्य अर्थ, चोर को भी कहते चौरे और अग्नि को भी कहते हुताशने। श्यामयति त्रिषु श्यामो हरित कृष्णौ श्यामा सच्छारिका निशा इत्यमरा, तीनों लिंगों में होगा श्याम शब्द, श्यामा श्यामा श्यामम, हरित रंग में होता है, काला रंग भी होता है, श्यामा स्त्रीलिंग में होगा तो विशेष तौर पर शारिका और निशा, निशा मने रात्रि, शारिका किसको कहते हैं, शारिका मैना पक्षी को कहते हैं शारिका, और शतरंज के जो गोटियाँ होते हैं उसको भी शारिका कहते हैं, मैना पक्षी तोती, और युजि रुचि निजामिति युजिर योगे रुचि दीप्तो निज निशाने येषाम द्वंद्वात् षष्ठी, येभ्य मक् प्रत्यय स्याद अंत्यश्च कुत्वा, अंत्य को कुत् भी होता है। यहाँ के तत्वबोधिनी ईशगंती साधानेशु ईशगतौ विधि केचित, कुछ लोग ईशगतौ भी ले लेते और उसे उपदा खर्च करना पड़ेगा, तो ईष्माहा युद्ध संप्रहारे इंदी दीप्तौ इत्यादि धातुगुणादि वही है सब, युद्धमय थी युद्धमो धनुष संयोग संयुगे, देखो संयुगे ही ज़्यादा ठीक है, संयोगे के जगह पर संयुगे पाठ ज़्यादा ठीक लगता है, इति मेदिनी मेदिनी कोशकार ठीक है, संयुग है। दसमस्तु यजमान सियाद भी चौरे उदासने वही बोल दिए सारे, त्रिशु श्यामौ हरित कृष्णौ श्यामा से अच्छारिका निशा इत्यमर। एक और कोश दे रहे, श्यामो वटे प्रयागस्य वारिदे वृद्ध दारके पिके च कृष्ण हरितो हो पुंसिष्य तद्वति त्रिशु मरीचे सिंधु लवणे क्लीबम स्त्री शारिकौषधौ अप्रसूतांगनायांच प्रियंगावपि गुग्गुलौ यमुनायां त्रियामायां कृष्ण त्रिवृत्ति कौषधे नीलिकायामिति। मेदिनी का ज़्यादा दे दिया सरे, श्याम जो जो है प्रयागराज का वट वृक्ष को भी अक्षय वट को भी श्याम कहते हैं, वारिदे बादल को कहते हैं श्याम, वृद्ध दारे के अपने से बड़े हैं ज्येष्ठ उनके पत्नी उनको भी श्याम कहते हैं, स्त्रीलिंग में हो जाएगा फिर तो श्यामा। पिके च पिक वही तोती कृष्ण हरितो हो, कृष्ण हरितो हो काला और हरा रंग मिश्रित को भी कहते हैं, पुल्लिंग में हो गए इन सब अर्थों में, तद्वती तद ये तद धर्म वाला में ले जाओगे तो तीनों लिंगों में चला जाएगा। त्रिशु मरीचे सिंधु लवणे, मरीच मैंने मिर्ची और सिंधु से उत्पन्न लवण सैंधव उस नमक को लेना, इनमें नपुंसकलिंग होगा, स्त्रीलिंग में शारिका और औषधि विशेष
अप्रसूत अंगना लड़की को भी कहेंगे कन्या को। प्रियंगु एक जो है चावल है, कोदो चावल, उसको भी कहेंगे। गुग्गुल को भी प्रयोग होता है स्त्रीलिंग में, श्यामा। यमुना नदी का भी नाम एक है श्यामा, यमुनायाम, त्रियाम आयाम, और तीन याम रात्रि का है ना, रात्रि के चार याम में से तीन याम को श्यामा कहा जाता है। पहले याम का आधा छोड़ो और अंतिम याम का आधा छोड़ दीजिए, कुछ कुछ उसमें प्रकाश रहती ना, हल्की हल्की रहती है, इसे उसको छोड़ दिया। तो तीन याम जो बीच का है, इधर का आधा उधर का, कुल चार याम होते हैं एक रात में। चौथे याम कैसे लेंगे, इधर का आधा उधर का आधा छोड़, बाकी जो तीन याम का नाम श्यामा होता है। कृष्ण त्रिवृत्ति को औषधे, कृष्ण त्रिवृत्ति कोई भी काले रंग का त्रिवृत्त किया हुआ वस्तु को भी श्याम कहा जाता है, औषधि विशेष में है। और नीलिका याम घोर कालापन को भी श्याम कह दिया जाता है। ईर्गतौ से ईर्मा बना, प्रणव स्त्रियाम ईर्मम अरुक्ली वे इत्यवरा। प्रणर्थ का पर्यायवाची औस्त्रिंग में अर्थात पुल्लिंग नपुंसकलिंग में प्रयोग होता है ईर्मम अरुक्ली वे, और अरु शब्द नित्य नपुंसकलिंग में प्रयोग हो जाएगा उसके पर्याय में। बाहुल का जन जननी इत्यस्माद् अपि जन्मम बनेगा। रुह बीज जन्मनी इति निर्देशात् मणिनंतोपि अस्ति, बीज जन्मनी प्रयोग किया ना, जन्मनी मन्ने अन्नंत प्रयोग कर रहे, इसलिए जो है बाहुल का मनिन प्रत्यांत में मानी जाएगी। सत नान्त जनुर जनन जन्मनी इति अमरस्तु अकारांत नकारांत उभय साधारण, दोनों प्रयोग कर दिया, अकारांत और नकारांत भी प्रयोग कर दिया। युजिर योगे रुचदीप्तो तिज निशाने भ्य मख कवर्गश्चंदादिश रुक्मम तो कांचने लोहे इति विश्वमेदिन्य। रुक्म कांचन अर्थ में होता है और लोहा सामान्य में भी होता है। तिग्मम ने तीक्ष्णम इत्यर्थ। अब हंतेर ही च हन हिंसा गत्य अस्मात् धातुर मख धातुर हिर आदेश, धातु ही भी आदेश हो जाएगा। भय शुक्वा इवी भय अस्मात् धातुर मख स्यात् धातु शुगागमश्च वा स्यात्। भीम इति शुक अभावी रूपम, भीष्म इति शुकी रूपम, गर्मा मकी घर्म इति निपात्यतः इत्यर्थः। मख का भी निपातन ही मान रहे, घृ धातु से मख भी निपातन और गुण भी निपातन से, इसे निपात्यतः प्रयोग है ना, द्विवचन प्रयोग कर दिया। प्रकृति प्रतिविभागे न दर्शयति घृ धातु और मगिति, वो भगिति हो गया, मगिति बनाना पड़ेगा, ये भवानी म ग्रीक शरण दीप्त्योर इत्यस्मैति भाव मख कित्वेन किंगिति चैति निषेधादाह गुणस्य निपातति। ग्रीष्म ग्रसुवदने अस्माद् मखी निपातोयम् उपदायित्वम् निपात्यते, दीर्घिकार निपातन हो गया, ग्रह ग्रह को दीर्घी कर दिया। प्रत्यय शिवन संसारणंच प्रत्यप्रख्याने अस्माद् धातोः शिवन प्रत्यय धातो संसारणंच इत्यर्थ। शिवन शित्वात् गीष हो जाएगा, शवन इत्येकेति प्रतिधातो शवन प्रत्यय इत्यर्थ। तथात्वे तो पृथ्वी बनेगा, पृथ्वी पहले वाले में बना, तो पृथ्वी 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 पर्याय में, इसलिए अमर कोशकार ने तीनों दिखाया है। अशु पुरुषी लटी अशुव्याप्तो पुरुष स्नेहनादो लट बाल्य कण निमिल ने खटिकांक्षायाम विष प्रवेशण येषाम द्वंद्वात् पंचमी एभ्य क्वन स्यात्, इनसे क्वन प्रत्यय होगा। अश्वेति घोट के वीति तुरग तुरंगाश्व तुरंगमाह इत्यमरह। पर्यायवाची में प्रयोग कर रहे घोटक, घोड़े के नाम है घोटक, और वीति तुरग तुरंग अश्व तुरंगम, सब पर्यायवाची है। पुष्वेति पुरुषधातु रूपम, पुरुषधातु का रूप है, पुष्व बना उसको। लटवेति झल्लरी चरचरी पारी होरा लटवा च सिद्धवला इत्यमरह। लटवा का पर्यायवाची में होता है सारे, झल्लरी चरवरी फरी होरा सिद्धमला, ऐसा लटवा के पर्यायवाची। लटवा का अर्थ वास्तव में क्या है, फिर लटवा करंज भेदे स्यात् फले वाद्य खगांतरे। लटवा जो है करंज के विशेष भेद को, जाति विशेष को कहते हैं, और फल विशेष में भी प्रयोग होता है, वाद्य विशेष में प्रयोग होता है, और पक्षी के जाति विशेष में भी प्रयोग होता है।
कण्वमिति कण्वम पापे मुनौ पुंसी इति मेदिनी। मुनि विशेषार्थ भी होता है पुल्लिंग में जब होगा। खटवेदी शयनम मंच पर्यंक पल्यंका खटवया समाह इत्यमरह। शयनम शयन मंच पर्यंक पल्यंक खटवया मैंने खटवा शब्द से इन सब का समान अर्थ वाला पर्यायवाची शब्द है। विश्वमिति आदित्य विश्ववसवः इत्यमरह। विश्वाह्यति विषयां स्त्री जगति स्यान्नपुंसकम्। यति विषयां विश्ववसवः विश्व पर्यायवाची कर दिया सब। विश्वास्त्रीलिंग में प्रयोग होता है अति विषयार्थ में। अति विषयां जगति स्यात् नपुंसकम् और जगत अर्थ में नपुंसकलिंग में प्रयोग विश्वम। अच्छा याद है किधर देखो अंत है हिमम तुषार मलयोद्भवयोः स्या नपुंसकम् शीतले वाच्यलिंगे इति मेदिनी। हिमम तुषार के लिए कहते मलयोद्भव जो वायुवादि है चंदन है हाँ वो सबको हिमम कहते हैं लेकिन नपुंसक में प्रयोग होगा जब तक। शीतले शीतल अर्थ में भी हिम शब्द होता है यानी वाच्य के अनुसार उसका लिंग होगा त्रिलिंग हो जाएगा। भिया में कारे भीष्मो गांगे ये घोर यो हो भीमो अम्लवेत से घोरे शंभव मध्यम पांडवे इति मेदिनी। भीष्म शब्द गांगे को जो विशेष थे कौरव कुरुवंशी और घोर को भी भीष्म कर दिया घोर है भयंकर है। भीम शब्द अम्लवेत से खट्टा बेंत ऐसा कोई बेंत होगी जो खट्टा वाला है खट्टा रस वाला होगा अम्लवेतस। घोर अर्थ में होता ही है शंभु अर्थ में भी होता है भीम शंकर भगवान को और मध्यम पांडवे पांडव के बीच वाला पांच में से बीच वाला है इति मेदिनी। यदि बीच में रहने वाला इसलिए बीच वाला तो है नहीं बीच बीच तो अर्जुन होता है युधिष्ठिर के बाद भीम भीम के बाद अर्जुन अर्जुन के बाद नकुल और सहदेव बीच का है। गर्भ ग्रीक शरण दीप्त्य धातु से हुआ है। ग्रीष्म में घर्मस्या दातपे ग्रीष्मे अप्युष्टस्वेदाम भसोरपी। आतपर्थ को कहते हैं घाम को ग्रीष्म ऋतु को भी और ग्रीष्म शब्द घर स्वयं बता रहे ग्रीष्मे ग्रीष्म ऋतु में भी घर्म शब्द प्रयोग होता है। उष्णता को स्वेद पसीना को अम्बस जल को या स्वेदज जल पसीने से उत्पन्न होने वाला जल कि द्विवचन प्रयोग अम्बस हो। ग्रीष्म ऊष्मत्व भेद ऊष्म ऋतु भेद यो हो ग्रीष्म जो है ऊष्म और ऋतु भेद दो अर्थ में होता है। प्रत्यय प्रत्यक प्रख्यान शीतवादगीश पृथ्वी 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 धरा सर्वसहारसा शब्दारण कोश। अशु यहाँ भी प्रशी हो गया पृषि के लिए अशु पृषि अशुव्याप्त हो लट बाले इत्यादि। अश्व पुंजाति भेदे च तुरंगे च पुमानयम। अश्व है पुरुष जाति भेद को भी अश्व कहते पुरुष में भी एक जाति भेद का नाम अश्व है तुरंग में भी है घोड़ा अर्थ भी होते पुल्लिंग में। अश्व पुंभेद वाजिनो हो इति विश्वकोश भी है। लट्वा करंज भेदे सत् फले वाद्य खगान्तरे इति विश्वमेदिन्यो। कण्णम पापे मनो पुंसी इति मेदिनी वही बोल दिए। किण्वम बीजाघ सीधुषु इति चपट्य थे ऐसे भी पाठ है किण्व जो है इकार इकार भी कर दिया इत्व करके बीज अर्थ में होता है अघमने पाप और सीधु सीधुषु सीधु किसको कहते अंग्रेजी में इंक पॉट कहते हैं जिसमें स्याही का जो दवात होती थी उसको बोलते सीधु क्या लोटा जैसे समझो रखते थे पहले उसमें स्याही रहता था उसे डुबकी लगाया डुबाया और लिखते थे डुबाते थे लिखते थे। वो पेन का जमाना नहीं था ना वो बहुत समय लगता होगा लिखने में तो समझ के लिखते थे ना और आप बिना समझ के लिखते इतने सा गलत हालत हो जाता है इसीलिए उसमें सोचने की अवसर मिलती थी समझने की अवसर मिलती थी। ऐसे ऋषि लोग नहीं जानते थे क्या सब जानते हुए जान के ऐसे साधन को बना के रखे थे ताकि व्यक्ति के अंदर धैर्य सीखना आ जाए
अब हड़बड़ हड़बड़ लिख देते हैं, पेन भागता है, ऐसे पेन चाहिए जो फटफट भागे, लोग चाहते हैं, स्याही बहते रहता है तेजी से, लेकिन अच्छा नहीं है, बुद्धि के लिए अच्छी नहीं है। वो जमाना ठीक था, सीधू शयनार्थी भी कांक्षिती खटवा, शयनार्थी आकांक्षित वस्तु का नाम ही खटवा है। विश्वा ही अति विषायाम स्त्री जगतीश अन्नपुंसकम नना शुंठ्याम पुंसी देव प्रभेदेश्वखिले त्रिशु। देखो और भी जोड़ दिया, नना पुलिंग में नहीं होगा, अर्थस्त्रीलिंग और नपुंसक में होगा, किस अर्थ में, ये शुंठी अर्थ हो सोंठ, और पुलिंग में देव प्रभेदेश, देवता विशेष का नाम विश्व, प्रभेदेश अखिले और संपूर्ण जगत को भी विश्व बोल सकते हैं, और त्रिशु तीनों लिंगों में होगा। इति मेदिनी ऊपर लौटिए, इन शिव्याम वन इन गतो सिंह स्वप्रे आभ्याम वन प्रत्यस्यात् एवैति शेवैति सिंह धातु रूपम सर्वनि घृष्व ऋष्वैत्य श्रीगतो घृषु संघर्षे ऋष हिंसायाम लश हिंसायाम सिंह स्वप्रे पदगतो कहीं पटगतो है फेई स्पर्धायाम शब्दे च ईश गत्यादिषु। अत्र तंत्र शब्द कर्तृवाचक, इसलिए अतंत्र मैंने अकर्तृ इत्यर्थः, एक पक्ष की बात बता रहे हैं, नहीं तो तंत्र तय प्रधानम, अतंत्र मैंने अप्रधानम इत्यर्थः। निपात्यन्ते इति वन प्रत्यंत, वन प्रत्यंत रूपेण निपातन किया, वन प्रत्यय गुणे च सर्वमिति रूपम, गुण करने पर सर्वम बन गया। निघृषो में क्या हुआ, नीपुर घृषदात और वन प्रत्यय गुणाभावो निपात्य थे। ऋष्व हिंस्रैति अत्रा भी गुणाभाव निपात्राद जो है, एवमेव लिश्व इत्यत्रापि उत्पत्ति भाव, लिश्व इस पर उत्पत्ति ग्रहण करना चाहिए। प्रलय और अभेदात ऋष्व लिश्व कर दिया, उपधायित्वा धातु तो लश है तो उपधा को कर दो निपातन से, लश हिंसायम धातु है। शिवैति शंभु सर्व शिव स्थाणो इत्यवरा प्रभवित वन प्रत्यय रूप मा वे धातु लोगे तो वनो वकार से लोप, वन के प्रत्यय हुए वकार का लोप हो जाएगा वही का, धातु और आकार से लोपश्च धातु के आकार का भी लोप हो जाएगा, केवल ह बचेगा तब बनेगा प्रभुव बनेगा तभी। रूपम आहा इधर वन प्रत्यय रूपम मा वे है वनो वकार से लोप, धातु और आकार से मात्र लोप पाते थे इत्यर्थ। धातु प्रकृति में दर्शेती यदि वहाँ त्यागे लोगे तो क्या होगा, ला का हा मात्र लोप करना पड़ेगा, लाघव है उसमें, वहीं लोनो लेने से वकार आकार दो का लोप करना पड़ता है, हा लेने से केवल आ का लोप करना पड़ेगा, लाघव है वो हाक त्याग इत्यस्मा इत्यर्थ वन प्रत्यय आकार से लोप निपातते इत्यर्थ हो। नीचे सर्वनिग्रीष्व श्रीगत ऋषु संघर्ष ऋष हिंसायाम ये लश कांतो लिया इन्होंने, ऊपर वाले लश हिंसा लिख दिए थे, इन्होंने जो है लश कांतो लिख दिए। सिंह स्वप्रे यहाँ देखो पटकतो, वो पटकतो कहते ये पटकतो कह रहे हैं। वे स्पर्धेम शब्दे च वाग त्यागे इति वा ईश गत्यादिषु तंत्र शब्द अत्र कर्तृवाची त्याग कर्तरी निपात्यंत इति वन प्रत्यंत निपात्यंत। अतः बाहुल का ह्रस्व बन गया, ह्रस शब्द धातु से ह्रस्व न्यक्खर्वयोस्त्रिषु इति, ह्रस्व शब्द जो है नीचे को निचला जो नीचे निक न्यक नेक भाव को प्राप्त हो गए, नीचे रुदात नेक भाव से उच्चारण भी होता है और अत्यल्प मात्रा से उच्चारण ह्रस्व एक मात्रा को कह देते हैं, और खर्व को भी कहते खर्व, खर्वयोस त्रिशु तीनों लिंगों में प्रयोग होता है। इति मेदिनी शेवा यहवा जिह्वा ग्रीवाप्वा मीवाहा शेवा यहवा जिह्वा ग्रीवाप्वा मीवाहा प्रत्वा बहुचनात निपातन सम्मिश्रित होंगे। शेवैति अंतोदात्तार्थम शेवया जो लिया गया अंतुदात करने के लिए, वन प्रत्यंत संतुदात हो जाएगा, या वन होने से आधुदात हो जाता नित्य होने से, या वन नहीं करेंगे इसका मतलब अंतुदात्तार्थम। सिंह स्वप्रे इतने से वन प्रत्यय रूपम, वन प्रत्यय करने पर भी अंतुदात कर रहे हैं, यदि नित्य होने से क्या होता है इन नित्यादिर नित्यम आधुदात होना चाहिए,
इन अंतजात करने के लिए अलग से सूत्र बना के ग्रहण किया गया। यान्त्यनेति यहोवा, यान्त्यनेति यहोवा, यह प्रापणे से वन प्रत्यय होगा, तत्सनि ने प्रकृति को हुक्कागम कर दिया और धातु के या को ह्रस्व ह्रस्वे च यहवैति रूपम। यद्वा यज धातु बना लो वन प्रत्यय, जकार को हकार आदेश कर देंगे निपातन से तो भी बन जाएगा यहवा। ह्रस्वो हुक्कागमश्च, ये बोलना छूट गया, ह्रस्वो हुक्कागमश्च। लियन्त्यनियति लियो जिह्वा, लकार से जकार और गुणाभावश्च निपात्य। घिरन्त्यनियति ग्रीवा, ये ईडागमश्च, ईट का आगम कर दिया गया तो ग्रीवा बना। आपनोतीति आपवा मने वायु, मीवा मने उदर के कृमि विशेष है, वायु रित्यन्य, कुछ लोग मीवा को वायु का अर्थ करते हैं, वायु रित्यन्य। एते वन प्रत्यांत निपात्यन्ति इत्यर्थ, ननु इनशिभ्यां सूत्रेणैव सेवैति रूपे सिद्धे किमर्थमिदं इतः अन्तदात्तार्थमिति। शिंसप्रेस्वा वन प्रत्यय रूपम, यह प्राप्णित स्वा वन प्रत्यय तत्संयोगेन प्रकृति हुक्कागमे ह्रस्वे च कृते यवैति रूपम। अथवा यद्वा यज धातुर्वन प्रत्यय जकार से हकार से निपात्यते, हकार से निपात्यते तब भी यह वा बन जाएगा। जिवैति शब्दम साधयति लियन्त्यनियति लियास्वादित्यस्माद् वन प्रत्यय लकार से जकारो गुणाभाव से निपात्यते। यद्वा जी चये इत्यस्माद् वन प्रत्यय हुक्कागम कर दो, हुक्कागम से निपात्यत इति व्याख्येयम्। गिरन्त्यनियति ग्रीनिगरणे इत्यस्माद् वन प्रत्यय ईडागम निपात्यत इत्यर्थ। यणादेश इति भाव यण भी कर दिया। आप्लि व्याप्तौ इत्यस्माद् प्रत्यय आप्वा इति रूपम्। मीवा इति मी हिंसायाम् इत्यस्माद् रूपम् बना मीवा। नीचे वाले त्रकारे एते वन प्रत्यंत निपात्यन्ते अंतोदात्तार्थमिति इनशिभ्यम् इत्यनेन आयुतात्तत्वात् सिद्धिरिति भाव। शिंसप्रे सेवा लिंगाकृति दशपादि वृत्तिरित्याह, लिंगाकृति को भी सेवा कहते हैं, ऐसे दशपादि वृत्तिकार कहते हैं। यान्त्यनेन इति उज्ज्वलदत्तस्तु यजदेव पूजादौ जकार सहकारौ यहो यजमान इत्याह। वैदिक निघण्टौ महन नाम से यव शब्द पठिता, महत के नाम में भी पर्यायवाची में प्रयोग किया गया। प्रभो यहवम पुरूणाम यवम महांतम इति वेदभाष्यम, ये यवन यवम कार कर दिया महांत। लियास्वादने लियंतने यदि जिह्वा, जी चाहे हुक्कागम भी कर सकते हो, अन्य तो लिवा में ल को जो आदेश करना पड़ेगा, लिह तो धातु लोगे। जिह्वा मने रसना इत्युच्चल दत्ता रसन इंद्रिय। ग्रीवेति ग्रीनिगरणे आपलि व्याप्तो मिंग हिंसायाम इनसे बना। मीवेति वेदे तो अमीवेति छित्वा अमर रोग इत्यस्माद् वह इट च इत्युक्तम्, ये कहा गया। अमी वाह वास्तोष्पते इत्यादि मंत्रास तत्र अनुकूल, इस अर्थ में भी अनुकूल बनते हैं।